हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस एलिजी जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जिसे लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1835 में लिखा था और 1842 में इसे पब्लिश कराया गया था। ये एक बहुत ही फेमस एलिजी है। इस पोएम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने एक फ्रेंड जिनका नाम था आर्थर हैलम, उनके डेथ पर लिखा था। हैलम के डेथ के बाद टेनिसन बहुत ही दुखी थे और वे एक समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और तभी वे सोच रहे थे कि वे अपने दुख को कैसे व्यक्त करें। टेनिसन देखते हैं कि समुद्र में जो लहरें हैं वो आके चट्टानों से टकराती है और उसी को देखते हुए कहते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और इसी पर उन्होंने एक पोयम लिख दिया जिसका टाइटल दे दिया उन्होंने ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत लिरिकल एलिजी लिखा है उन्होंने। तो चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ऑन दाय कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। टेनिसन समुद्र से कहते हैं कि तोड़ो 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 या फिर गिरो, किन पर गिरो, तो तुम्हारे कोल्ड ठंडे ग्रे कलर के स्टोन्स पर, चट्टानों पर गिरो। वो समुद्र की लहरों से पॉइंट कहते हैं। एंड आई ओ डैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स डैट अराइज इन मी। पॉइट कहते हैं काश मैं बता पाता वो थॉट्स जो उनके माइंड में आ रहा है। पॉइट कहते हैं कि वो इतने दुखी हैं कि वो कुछ भी कहने के समर्थ में नहीं है। वो बता नहीं सकते कि वो कितने दुखी हैं और कैसे कैसे विचार आ रहे हैं उनके माइंड में। आगे पॉइट लिखते हैं ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय डैट ही साउथ्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले। पहले वाले स्टेंजा में तो पॉइंट ने लहरों और अपनी बात कही कि वो कितने दुखी हैं, कि वो कुछ भी कहने के समर्थ में नहीं है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और सेकेंड वाले स्टेंजा में पॉइंट कहते हैं कि ये सब जो वातावरण है, ये खुशनुमा वातावरण है जो समुद्र के किनारे है, वो किसके लिए अच्छा है। तो फिशरमैन के बॉय के लिए, उस फिशरमैन के लड़के के लिए अच्छा है जो कि साउट्स कर रहा, चिल्ला रहा है, अपने सिस्टर के साथ खेल रहा है। आगे पॉइंट कहते हैं ओ वेल फॉर द सेलर लेड डैट ही सिंग्स इन हिज पोर्ट ऑन द बे। पॉइंट कहते हैं कि ये सब जो है वो उस सेलर के लिए भी अच्छा है जो कि सिंकिंग कर रहा है, गा रहा है अपने बोट पर। आगे वाले लाइन में कहते हैं पॉइंट एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। यहाँ पॉइंट कहते हैं कि बहुत सारे शिप्स पार हो रहे हैं, बहुत सारे विशाल शिप्स पार हो रहे हैं। स्टेटली मीन्स होता है बड़ा या फिर विशाल। टू दियर हिवन अंडर द हिल, अपने हिवन को मतलब कि उस पोर्ट पर जा रहे हैं जहाँ पे वे शिप्स जाना चाहते हैं, और वो जा रहे हैं हिल के अंडर से। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस डैट इज स्टिल। इस वाले लाइन में पॉइंट फिर से अपने मरे हुए फ्रेंड के बारे में सोचते हैं कि वे अब अपने फ्रेंड के वॉइस को नहीं सुन सकते क्योंकि वो अब स्टिल है, बहुत ही शांत हो गया है, और उनके हाथ जो कि वैनिश्ड हो गए हैं, डेथ हो गया है, तो वो अब उनके हाथ को कभी भी टच नहीं कर सकते, ना ही उन्हें देख सकते, ना ही छू सकते, ना ही उनके वॉइस को सुन सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से वे अपने फ्रेंड के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने मरे हुए फ्रेंड के बारे में उनका ध्यान खींचा चला जाता है फिर से। और ये सारी जो बातें हैं, वो जो फिशरमैन का लड़का जो खेल रहा था अपनी बहन के साथ, और नाविक जो था, सेलर जो था, वो सिंगिंग कर रहा था अपने नाव में, यहाँ पे शिप्स पार हो रही है, ये सारी बातें भी आर्थर हैलम के डेथ को भुला नहीं पा रहे हैं। इन सारे नज़ारों को देखकर भी टेनिसन अपने फ्रेंड आर्थर हैलम के डेथ के दुख को भुला नहीं पा रहे हैं। ये इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है, और इस लास्ट स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में पॉइंट फिर से समुद्र की लहरों से कहते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, एट द फुट ऑफ दाई क्रेक्स ओ सी। पॉइंट कहते हैं लहरों से कि तुम उन चट्टानों को तोड़ दो जो समुद्र के किनारे पर हैं। क्रेक्स मीन्स होता है चट्टाने। बट द टेंडर ऑफ क्रेज ऑफ अ डे डैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। इन दोनों लाइनों में पॉइंट फिर से अपने फ्रेंड को मिस करते हुए कहते हैं कि वो जो खूबसूरत दिन थे, वो जो ग्रेसफुल डेज थे जो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ बिताए थे, वो अब कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं, और ये सब पॉइंट समझ चुके हैं। 16 लाइन के ये बहुत ही खूबसूरत पोएम थी अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा।
आई होप कि आपको समझ आया होगा ये पोयम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।